बहन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल कटारिया सिस्टर्स में। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से एल साइज की कुर्ती को काटा जाता है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। मैंने अपनी कुर्ती ली है और सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब भी हम कोई कुर्ती काटते हैं तो उसमें तीन पार्ट काटते हैं। ये जैसे फ्रंट वाला पार्ट सबसे पहले काटा जाता है, उसके बाद काटते हैं हम कुर्ती का बैक पार्ट और उसके बाद हम स्लीव्स को निकालते हैं। तो इसी तरह से हम अपने कुर्ती को काटेंगे। हमारी कुर्ती डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे किसी पर एम्ब्रॉयडरी होती है और सभी पर प्रिंट अलग अलग होता है। ये इसका फ्रंट वाला पार्ट है और ये बैक वाला पार्ट है, और जो साइड में ब्लैक कलर की जो स्लीव्स दी हुई हैं, जैसे ये हमारी जो है स्लीव्स है कुर्ती की। तो हम इस तरह से इसे काटेंगे। हमें ध्यान देना होता है कि कौन सा फ्रंट वाला पार्ट है और कहाँ से हम ये चीज़ें तीनों चीज़ें निकालेंगे। तो ये बीचों बीच जो ये पट्टी दी हुई है, हम बीचों बीच इसे बीच में से ऐसे मोड़ लेंगे। हमें बीच में से अच्छी तरह से प्रिंट को मिलाते हुए मोड़ना है। हमें इसे बिल्कुल बीचों बीच मोड़ना है, जैसे सारी जितनी भी पट्टियाँ दी हुई हैं, जैसे ब्लैक कलर की पट्टी दी है तो ये पीछे तक हमें नीचे जो हमारा पार्ट है कुर्ती का उस पर भी ध्यान रखना है, किनारों को मिलाना है। ये ऊपर और नीचे दोनों सेम होनी चाहिए। और उसके बाद मैं अपनी कुर्ती की लेंथ लूँगी। जो मैं अपनी कुर्ती की लेंथ बनाऊँगी वो 34 है, लेकिन 40 दी हुई है। तो मैं क्या करूँगी उसके लिए जो मैं ये पट्टी है यहाँ से उठा के मैं इसे ऐसे ऊपर रख के यहाँ पे बाद में सिलाई लगाऊँगी जब मैं स्टिच करूँगी अपनी कुर्ती को। हम इस तरह से अपनी कुर्ती की लेंथ को छोटा कर सकते हैं। अब तीरा मैंने 6 इंच लिया, नॉर्मल नेक बनाएंगे इसलिए मैंने 6 इंच तीरा लिया है, लेकिन कॉलर के नेक में और बोट नेक में अलग तीरा लिया जाता है जो मैं आपको बताऊंगी। नीचे से भी मैं 6 इंच ले लेती हूँ। मैंने 6 इंच के दो निशान लगाए हैं। उसके बाद 7 इंच की हम लेंथ लेंगे। ये वाली हम नहीं नापेंगे, ये फिटिंग के हिसाब से ही होगी। अब ये 6 इंच है और इसको नहीं नापा, ये फिटिंग जब हम करेंगे तब मैं बताऊंगी। 2 इंच मैंने आर्म होल लिया है, उसके बीच में हम 2 इंच का गैप रखेंगे और उसके बाद लगाते हैं फिटिंग का निशान। फिटिंग का 8.5 इंच का निशान मैंने लगाया है चेस्ट का, और मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। उसके बाद हम लगाएंगे, यहाँ से कोने पे रखना है। 6.5 इंच का मैंने कमर का निशान लगाया है और 13 इंच पे मैं अपनी हिप बनाऊंगी। यहाँ से हम ऐसे गोलाई करेंगे और जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उस पर हम आर्म होल का जो ये गोलाई है उसको मिलाएंगे। उसके बाद जो मैंने कमर का निशान लगाया है उस पर लगा के 7 इंच का निशान, जितने भी आपकी कमर हो 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 16.5 इंच हिप है तो उसका हाफ लेंगे, हाफ लेके फिर 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। फिर जब हम घेर बनाएंगे वहाँ पे भी उतना ही कपड़ा लेना है जितना हमने हिप से लिया था, यानी कि 2 इंच बढ़ा के। अगर आपको घेर थोड़ा चौड़ा बनाना है तो हम एक्स्ट्रा कपड़ा भी ले सकते हैं। मैंने बाहर वाली जो लाइन है ड्रॉ कर ली है, अब हम इसे बिल्कुल निशान के ऊपर से काट देंगे। हमारा फ्रंट वाला पार्ट कट गया है। इसके बाद हम निकालेंगे अपना बैक कुर्ती का बैक वाला पार्ट। ये हमारी कुर्ती का बैक वाला पार्ट है, हम इसे मोड़ लेंगे। हमने जितना घेर लिया था यानी कि 10.5 इंच
तो हम उतना ही से मोड़ेंगे, लेकिन हम सारे किनारों को मिला के रखेंगे जितनी भी लाइंस दी हुई हैं। यहाँ से हमने 10.5 इंच लिया है, उसके बाद हमने जो फ्रंट वाला पार्ट काटा है उसको इसके ऊपर रख लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेंथ लेंगे क्योंकि हमें ये ऊपर मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने 34 लिया है, लेंथ ले ली है, 34 से 1/2 इंच ज़्यादा लिए क्योंकि हम यहाँ से जब शोल्डर को जोड़ेंगे तब यहाँ से 1/2 इंच दबाएंगे और नीचे हमारी 34 तैयार हो जाएगी। और ऑरेंज कपड़ा जो नीचे दिख रहा है वो मोड़ने के लिए हमने लिया है, जो कि पहले से ही दिया हुआ है। अब हम ऐसे निशान के ऊपर अपनी कुर्ती को रखेंगे और बाद में इस तरह से जो पीछे वाला पार्ट है सेम उसी तरह सारे बॉर्डर को मिलाते हुए हम काट लेंगे। हमने अपने दोनों पार्ट यानी कि फ्रंट पार्ट और बैक वाला पार्ट काट लिया है। अब मैं काटूंगी इसके बैक वाले पार्ट का, जो हम पीछे नेक बनाएंगे उसे काटूंगी। मैंने 2.5 इंच उसकी चौड़ाई ली है, आप चाहे तो 3 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 2.5 इंच लिया। अगर आप बड़े नेक पहनते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने 6 इंच की जो डीप बनाया है नेक को, आप अपने हिसाब से पसंद का डीप नेक बना ले। 2.5 इंच मैंने ऊपर और नीचे से लिया है और मैंने हाफ करके अपने जो गोल मैं नेक बनाऊँगी उसका हाफ हिस्सा ड्रॉ ऐसे इस तरह से करना है। हाफ हिस्सा उसका मैंने ड्रॉ किया है, बीच में मैंने जो गैप लिया वो 1 इंच का है। अब हम बिल्कुल निशान के ऊपर से अपने गोल नेक को काट लेंगे। आप चाहे तो ये नेक बुकरम पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बनाऊंगी। अगर हम बुकरम पे बनाएंगे तो हमें ऐसे अपना नेक काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बुकरम रख के जैसे फ्रंट वाला बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। मैंने इसे उल्टा करके फोल्ड किया है फ्रंट वाले पार्ट को, क्योंकि जो हम उसका फिटिंग का निशान लगाएंगे वो हम उल्टे पर ही लगाएंगे। तो मैंने पहले लिया है, चेस्ट का निशान लगाएंगे, बिल्कुल ऊपर नहीं लगाना है, मैंने नीचे लगाया है। देखिए यहाँ से मैंने 2 इंच नीचे लिया है आर्म होल की गोलाई से, और उसके बाद हम लगाएंगे अपनी कमर और हिप का निशान। हिप बनाऊंगी मैं 13 इंच पे और 6.5 इंच पे मैंने कमर का निशान लगाया है। 7 इंच मैंने कमर ली है और 16.5 इंच जो मैं अपनी हिप बनाऊंगी उसका हाफ ऑफ करके मैंने निशान लगा लिया है। और तीनों जो निशान है उसको इस तरह से मिलाना है। वैसे ही हम दूसरी तरफ भी लगाएंगे, ऐसे पलट के हम हिप का निशान लगाएंगे और उसके बाद 6.5 इंच कमर, अपनी चेस्ट का निशान, कमर और हिप। दोनों तरफ का फिटिंग का निशान लग गया है। उसके बाद हम जो फ्रंट वाला पार्ट है उसकी छटाई करेंगे। छटाई करने के लिए मैंने 1.5 इंच गहरी छटाई करेंगे, बिल्कुल बीचों बीच लिया है आर्म होल के 1.5 इंच। उसके बाद हम ऐसे अपना आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे और ध्यान रखना ये फिटिंग के निशान तक ही लगाना है। 1/2 इंच मैंने ऊपर से लिया है, हम इसे बिल्कुल सीधा करके ऊपर तक काटेंगे। जहाँ पे हमने फिटिंग का निशान लगाया है वहाँ से आर्म होल को काटना स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक काटेंगे। ये सिर्फ आगे वाले पार्ट की ही करते हैं, छटाई पीछे वाले पार्ट की नहीं करनी है। हमारा फ्रंट वाला पार्ट जो है कट गया है, फिटिंग का निशान भी लग गया है। अब रहती है हमारी स्लीव्स। हम स्लीव्स का कपड़ा लेंगे और जो आगे एक्स्ट्रा कपड़ा दिया हुआ है उसे काट के अलग कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा दिया हुआ हम बॉर्डर तक इसे ऐसे मोड़ेंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के मैंने काट लिया है। अब हम इन जो ये बॉर्डर दिए हुए हैं इन्हें मिलाते हुए पहले इस तरह से कपड़े को मोड़ना है और उसके बाद फिर एक बार और मोड़ना है।
हमारी स्लीव्स की जो ये बॉर्डर है इनको सेम मिलाना है। कितनी हमारी जो चार तहें बन गई हैं, ये तीन और ये चार। उसके बाद हम अपनी लेंथ लेंगे, जितने भी स्लीव्स की लेंथ बनानी है। मैं 10.5 इंच लूँगी, क्योंकि नीचे बॉर्डर का कपड़ा दिया हुआ है। सिर्फ 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ से, ये हम ऐसे मोड़ेंगे बाद में। और 10 इंच और ऊपर से हम आर्म होल पर जब अपनी बाजू जोड़ेंगे तो 1/2 इंच वहाँ दबा देंगे। 4.5 इंच इसकी जो मोरी है बाजू की, और उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। यहाँ से भी मैं 10.5 इंच ही लूँगी, और उसके बाद 3 इंच तक हम आर्म होल जैस की जो है मूढ़े की गोलाई करेंगे। जो मैंने मूढ़ा लिया है वो 8.5 इंच है, ये काफ़ी होता है एल साइज़ के लिए। अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा जो लिया है वहाँ तक इस तरह से निशान लगाएंगे, और ऐसे हम इसकी गोलाई करेंगे 3 इंच नीचे तक। अब हमने जो लाइन्स ड्रॉ की है उसको इस तरह से काट लेंगे। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, बाजू की भी छटाई की जाती है, लेकिन जब मैं वो स्टिच करती हूँ तभी करती हूँ। ये हमेशा आगे जो दो पार्ट हैं उनकी की जाती है, जो स्लीव्स की दो तह हैं उनकी ही की जाती है, पीछे वाले की नहीं करते हैं। ये मैं आपको इस कुर्ती को स्टिच करते टाइम बताऊँगी कि कैसे करनी है। तब जब हम काटते हैं तो ये छटाई बिल्कुल परफेक्ट होती है। अब हम कुर्ती के कुछ ज़रूरी पार्ट्स और निकाल लेते हैं, जैसे जिस पर हम आगे नेक बनाएंगे, मैंने उसके लिए कपड़े का छोटा टुकड़ा निकाल लिया है। ये मैं आपको कैसे बनाना है वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगी। और उसके बाद हम निकालते हैं पीछे वाला जो हमने नेक काटा था बैक पार्ट पे, उसके लिए मैं एक तिरछी पट्टी काट रही हूँ। अगर आप बुकरम पे बनाएंगे तो जैसे मैंने पहले नेक के लिए काटी थी वैसे ही काटेंगे। ये 1 इंच चौड़ी है, हमारी कुर्ती के ज़रूरी पार्ट्स निकल गए। ये आगे वाले पार्ट के लिए जो नेक बनाना है उसके लिए, ये हमारी कुर्ती का फ्रंट वाला पार्ट है, और ये उसका बैक वाला पार्ट है, और ये है स्लीव्स। तो हमारी कुर्ती कट के एकदम रेडी हो गई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके पास स्टिचिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालना भी न भूलें। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।